गुड मॉर्निंग गाइस, अभी के बज रहे सुबह के 2 बज रहे। हम लोग, मैं अभी नहा धो के सब रेडी हो गए। अभी हम लोग एक्चुअली शिरडी साई मंदिर के नज़दीक एक आश्रम में रुके थे, रात को खा पी के रात को सो गए थे। अभी सुबह 1 बजे उतरे और नहा धो के अभी 2 बजे तक रेडी हो गए। हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली बैग रख के मंदिर दर्शन के लिए। आज एक्चुअली गुरुवार है तो थोड़ा नंबर ज़्यादा रहेगा, इसके लिए हम लोग जल्दी उठ के दर्शन के लिए बाबा साईं बाबा का जा रहे हैं। उधर मैं आपको थोड़ा नज़ारा दिखाऊंगा। अभी मैं एक्चुअली टाइमिंग कितना है मैं आपको दिखाता हूँ। 2:17 बज रहे हैं एक्चुअली। 2:17 मतलब 17 मिनट हुआ है अभी। ठंड भी बहुत लग रहा है और क्लाइमेट एकदम मस्त है। रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सन्नाटा है। ये रहा रात के 2 बजे का नज़ारा। रात को 2 बजे ऐसा पूरा एकदम सन्नाटा है ना, वो एक आदमी लिख रहा है। ये रहा वो प्रसाद सेवक अंदर, जहाँ इधर हम लोग फीका खाना खाए थे। तो दोस्तों ये रहा थोड़ा सा नज़ारा। हम लोग लगभग 55 जन हम लोग आए हैं घूमने के लिए। तो कल गए थे तंबकेश्वर, तंबकेश्वर से 19 से आज शिरडी साई का दर्शन करके फिर शनि सिंगापुर जाएंगे। ऐसा कुछ नज़ारा है शिरडी साई का, बाहर का नज़ारा। ऐसा नंबर लगाना पड़ता है। ये हम लोग रात को 2 बजे आके ऐसा नंबर लगा के गए थे। अभी जाके 6 बजे दर्शन मिला, आरती होने के बाद दर्शन मिला। एक्चुअली 5 बजे से ही मंदिर का दर्शन चालू होता है, मगर आज गुरुवार था इसके लिए पूरा भीड़ था। और सुबह 5 बजे आरती होने के बाद हम लोग को 6 बजे जाके दर्शन मिला। हम 2 बजे से आके रेडी होके इधर नंबर लगाए थे, आज भी मिला दर्शन। और भगवान साईं बाबा का दर्शन करके दिल को बहुत सुख मिला। आज भगवान साईं का दर्शन करके बहुत मज़ा आ गया। ये अपना कुछ बाहर का ऐसा नज़ारा। हे गाइस, मंदिर का दर्शन के लिए कभी भी शिरडी से आने के लिए अपने को आपको इधर से लगभग 5 बजे जाके दरवाज़ा खुलता है और 5 बजे ही आपको दर्शन स्टार्ट होता है। और आपको कभी भी है ना 6 बजे या 5 बजे ही जल्दी उठ के आना चाहिए, सुबह जल्दी दर्शन मिलता है। बाकी जितना लेट करोगे उतना भीड़ बढ़ जाता है। और लगभग आरती के टाइम पे भी बहुत भीड़ होता है। आज आरती था इसके लिए बहुत भीड़ था सुबह की आरती में। अंदर आपको मोबाइल या फ़ोन लेने नहीं देंगे, दुकान वाले आपको परेशान करेंगे कि अंदर मेरे से इधर चप्पल रख लो, प्रसाद ले लो, ऐसा बोलेंगे। बट आप क्या करना, थोड़ा आगे जाना, गेट के नज़दीक ही सामने चप्पल का अपना फ्री स्टोर है गवर्नमेंट का। और दूसरा ये भी है, चप्पल और कैमरे के लिए भी फ्री है इधर। तो आप कभी भी दुकान के सामने मत लेना कि इनको तुमको प्रसाद के लिए फोर्स करेंगे। आपको जिधर मर्जी प्रसाद वो लेने का, बाकी चप्पल और मोबाइल के लिए अलग से गवर्नमेंट का फ्री में बनाया है। आप दुकान का बेकार में कभी भी आके मोबाइल ये मत रखना, चप्पल। शिरडी साई दर्शन के बाद हम लोग अभी जा रहे शनि सिंगापुर। शनि सिंगापुर में हम लोग अभी 9-10 बजे निकलेंगे। तो आपको मैं उधर का नज़ारा दिखाऊंगा। बाकी शिरडी साई का दर्शन करके दिल को बहुत सुकून मिला। ये मैंने एक बाबा का मूर्ति खरीदा है 50 रुपये में। कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। बाकी आपको हर पल का मैं अपडेट देता रहूँगा और इधर से क्या क्या तकलीफ आता है, क्या अच्छा रहता है, क्या बुरा रहता है, मैं आपको बता दूँगा। बट इधर देखने जाओ तो शिरडी साई में कुछ ऐसा तकलीफ नहीं है। रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, फ्री का रूम में आप पैसे भी दे के भी सस्ते में ले सकते हो। खाना पीना तो सस्ता है इधर, आपको
बाबा साईं बाबा का प्रसाद सेवा केंद्र में जाके आप सुबह 10 से रात 10 बजे तक चालू रहता है, आप कभी भी जाके खा सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और प्रसाद के लिए लड्डू के लिए आप ले सकते हो, 25 रुपये में एक दो लड्डू आते हैं, वो प्रसाद भी ले सकते हो। मैं आपको रूम जाके दिखाता हूँ, मैंने प्रसाद लिया है, वो भी अच्छा है। शिरडी साई में नंबर नहीं लगाने का तो उनको पास के लिए 600 रुपये पेड करना पड़ता, जो कि जिसको पेड के लिए पैसा दे के 600 रुपये देना रहता है, वो पास निकाल के जल्दी दर्शन कर सकते हैं। ये गेट नंबर 4 है भाई, गेट नंबर 4, इसमें आपको अंदर जाने के लिए मिलेगा, हैप्पी दिवाली करके लिखा है। ये ऐसा कुछ नज़ारा भाई बहुत का, यहाँ अपने को रूम मिल जाएगा स्टे करने के लिए। ये कुछ ऐसा मार्केट है, ये गेट नंबर 4 है, इसमें अंदर जाने के लिए। ये ऐसा कुछ बनाया है, आई लव साईं बाबा करके बनाया है, मस्त बनाया है। आप कभी भी आना, गेट नंबर 4 के सामने ही आपको देखने को मिलेगा। ये गेट नंबर 4 में एक आपको ऐसा मार्केट मिलेगा जिसमें आपको पूजा का ये सामान मिलेगा, और लगभग आपको हर चीज़ मिलेगा, पूजा का प्रसाद का ऐसा दुकान मिलेगा। ये ऐसा कुछ ये मिलेगा, हर तरह का टेक्सटाइल चीज़ मिलेगा, सामान मिलेगा, चूड़ी मिलेगा लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए फ़ोटो भी मिलेगा, ऐसा मार्केट कुछ ऐसा नज़र है। ये सब कुछ मार्केट का ऐसा नज़ारा मैं आपको दिखाते जाऊँगा, मस्त लग रहा है। ये अंदर जाने का ये नज़ारा, ये आपको थोड़ा बाहर आएंगे गेट नंबर 4 से बाद ये मार्केट के अंदर आएंगे, द्वारिका माई करके है, इधर मंदिर है। हम लोग एक्चुअली बहुत गर्दी से इसके लिए गए नहीं, ये थोड़ा इसका अंदर का नज़ारा है, और ऐसा क्यू लग के जाना पड़ता है। द्वारिका माई करके मंदिर भी आप जा सकते हो। ये ऐसा कुछ नज़ारा है, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, ये गेट नंबर 3 के नज़दीक है। इधर जाके आप लोग उधर जाके आपको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद जो कि 25 रुपये में आपको एक प्रसाद मिलेगा, उसमें दो लड्डू रहता है। मैं आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखाता हूँ। ये बाहर का हम लोग गेट नंबर 3 के अंदर आए, ये ऐसा नज़ारा है, ये प्रसाद 25 रुपये में ऐसा नज़ारा है लड्डू का। ये दक्षिणा मुख्य हनुमान मंदिर है, ये ऑलमोस्ट सीसीटीवी कैमरा है, मगर इसमें अंदर नहीं दिखा सकता, थोड़ा बाहर का ही नज़ारा मैं दिखाता हूँ। ये हनुमान जी का मंदिर है, अगर डोनेट करना चाहेंगे तो फ्री में जाके डोनेट कर सकते हैं, UPI या कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसा भगवान के ऊपर आपको भरोसा रहेगा तो आप डोनेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा डोनेट कर रहेगा ऐसा। सुबह का नज़ारा देखो, अभी कितना गर्दी हो गया है, हम लोग आए थे तो एकदम अंदर घुस गए थे, अभी सुबह 7 बजे का ऐसा नज़ारा, इतना गर्दी हो गया, इतना गर्दी हो गया, आप ही देख रहे हो, देखो कितना गर्दी हो गया, बहुत गर्दी हो गया। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जब आए थे डायरेक्ट अंदर घुसे थे, ये कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर का, लगभग 500 मीटर तक ऐसा लंबा लाइन है, तो सोच सकते हो जितना जल्दी आप सुबह दर्शन करोगे उतना अच्छा है, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इतना नंबर में होता है कि आपको मत पूछो। Oh, 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 oh
सुबह 10 बजे ये स्टार्ट होता है, रात को 10 बजे तक ये फोकड़ का फ्री का मिलता है। आश्रम लिया था, उसमें एक रूम में, एक आश्रम में 50 जन सोए, और ये वीडियो पूरा साईं मंदिर का था। इसके लिए आपका फोर्थ पार्ट है, लास्ट वीडियो आएगा। ये लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।